2 महीने पहले जब मेरा गाल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ, उसमें मतलब स्टोन था 18 mm का, तो मेरे मायके पक्ष वाले जो हैं वो 5 साल से दरबार से जुड़े हैं। मैं दरबार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि वो लोग बराबर मुझसे कहे कि आप दरबार से जुड़ जाइए। जब मैं ऑपरेशन, जब नौबत आई ऑपरेशन की, तब भी मेरे भाई ने बोला कि आप ऑपरेशन मत कराइए, दरबार चलिए। लेकिन तब बाबा जी की इच्छा नहीं बनी। उसके बाद एक मेरा ऑपरेशन हो गया, 2 महीना हुआ है। अभी 1 महीने पहले मेरे जो ससुर हैं वो बीमार हुए, तभी बाबा जी की कृपा हुई तो मैं दरबार से जुड़ी। तो मैं दरबार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। गुरु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उसको बेटा संग बाबा जी, हम इंडिया नेपाल बॉर्डर से आए हैं, इंडिया से ही आए हैं अच्छा और जिला बहराइच से आए हैं। हमारे डीएनए में 10 लोग हैं, मैं अकेली हूँ। जी उसको बेटा बाबा संग जी, बताइए। जी बाबा जी, 2 महीने पहले जब मेरा गाल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ, उसमें मतलब स्टोन था 18 mm का, तो मेरे मायके पक्ष वाले जो हैं वो 5 साल से दरबार से जुड़े हैं। मैं दरबार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि वो लोग बराबर मुझसे कहे कि आप दरबार से जुड़ जाइए। जब मैं ऑपरेशन, जब नौबत आई ऑपरेशन की, तब भी मेरे भाई ने बोला कि आप ऑपरेशन मत कराइए, दरबार चलिए। लेकिन तब बाबा जी की इच्छा नहीं बनी। उसके बाद एक मेरा ऑपरेशन हो गया, 2 महीना हुआ है। अभी 1 महीने पहले मेरे जो ससुर हैं वो बीमार हुए, तभी बाबा जी की कृपा हुई तो मैं दरबार से जुड़ी। तो मैं दरबार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और इस टाइम बाबा जी, आप मेरी एक समस्या बहुत मतलब गहन है, वो ये है कि मेरी बेटी है 9 साल की, उसको 2 साल से कोरोना पीरियड से उसकी आँख में दिक्कत आई, तो अभी 2 साल से उसका इलाज चल रहा है, चश्मा लगा है। तो उसकी जो दाहिनी आँख है बाबा जी, तो उसमें 2 पॉइंट रोशनी कम है, उसको दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। बाकी तो परिवार में मेरे समस्या चल ही रही है पागलपन वाली। अब आपकी कृपा है, दरबार की कृपा है कि मैंने वनडे किया तो सब मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया है। बिल्कुल, आगे जी दिखाते हैं बेटा क्या क्या इसमें किया। जी नष्ट हुई हो और जी जो बच्चे के जो ब्लैक फंगस आया आंखों में जी उसके बारे में बताएं। जी ये सारे आपके तमाम कष्ट, जो घर की महिलाएं उनके कष्ट, जी सारी सब्जियां नष्ट हुई, सारी कष्ट नष्ट हुई। मस्तिष्क सुन्न हो जाना, पसलियों में जकड़न होना, यूट्रेस में सूजन और इन्फेक्शन, आंखों में दर्द होना, चुभन होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, श्वास घुटन की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा दिखना, गंदा होना, साइट का दर्द की स्मृतियां थी, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, मासिक अनियमित रहना, अपेंडिक्स में सड़न हो रही थी, पेट में दर्द होना, कॉमन बाइल डक्ट में सड़न हो रही थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, घबराहट और बेचैनी की स्मृतियां थी, कंधों में दर्द होना, सिजोफ्रेनिया था मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, रेक्टम में सूजन, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, गंदे सपने आना, गंदे स्पंदन होना, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, लीवर में, कोलोन में, सर्विक्स में, गले में और ब्रेस्ट में। जी जी ऐसे यूट्रस भी खराब हो रहे थे और हाँ वो भी जी खराब हो रहे थे। जी जी हैं जी आपकी दरबार ने बहुत अच्छा किया है। हाँ जी मैं एक महाहवन करना है आपको, जी दरबार की ओर से कराया जाता है निशुल्क, जी जी तो अपने को रखना, बिटिया को रखना जी और अपने ससुर जी को जी उसमें रखना संकल्प। बाबा जी मुझे मतलब क्या है ना कि चिड़चिड़ापन बच्चों के प्रति बहुत है, गुस्सा बहुत आता अब है। देखिए अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अब देखिए कोई चिड़चिड़ा बना रहा है किसी भी तरह का, जी नहीं वो सब नष्ट हो चुका है। जी जो जो आप में आपके अंदर था कि जी हमें समस्या है, दिक्कत है, जी वो सब चीजें नष्ट हो चुकी, जी कुछ भी शेष नहीं, जी स्मृतियां सब नष्ट हो गई है ना। जी कल फिर महाहवन करिए तो असाध स्मृतियां। जी बाबा जी, मेरा जो गाल ब्लेडर का ऑपरेशन तो हो गया है, उसकी वजह से जैसे 2 महीना हो गया है मुझे, मतलब खाने पीने में तो अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आप ये ना खाइए, वो ना खाइए, तो मैं आपसे पूछती हूँ हाँ। कि मतलब खाएं सब चीज, सब हाँ। सही रहेगा। अभी बताते हैं
जी अभी आपको हम प्रमाणित करते जी, आपने ऑपरेशन तो करा लिया जी, करा लिए गल और गॉल ब्लैडर निकाल के डॉक्टर साहब फेंक दिया जी, ठीक जी। लेकिन अभी आप ऐसे हाथ डाल के देखो दुपट्टे के अंदर अपना चेक करो, जहाँ सर्जरी हुई थी आपको पता लग रहा है वहाँ कोई सर्जरी हुई थी कभी? चेक करिए जी, अंदर से तो नहीं लग रहा है लेकिन जो ऊपर टाके लगे हैं, टाके नहीं, हम कह रहे हैं ऐसे टच करके घुमा के ताजे हैं, लेकिन ऐसे कहीं लग रहा है कि कोई सर्जरी सा कोई कष्ट है कुछ भी कोई प्रकार का जी? अंदर से नहीं है कोई, पहली बात जी। दूसरा, जो गैल्वेनेटर निकाल लिया गया था वहाँ हल्का सा गड्ढा हो गया था, हाँ। आप देखो वहाँ गड्ढा है कि गैल्वेनेटर लगा हुआ है, चेक करिए जी। नहीं है, गड्ढा नहीं है, गड्ढा नहीं है, यानी गैल्वेनेटर सूक्ष्म में लग गया वहाँ जी, ठीक। वो तो आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, बाबा जी की कृपा है। अच्छा ठीक है ना जी। और वो लग जाने के कारण क्या है, अब जो बाइल होता है जो अल्कलाइन बनाता है भोजन को जी, जिससे कि एसिड ना बने, एसिडिटी ना हो, हाँ, है ना जी, वो अपने आप सेक्रेशन होता रहेगा जी, ये अद्भुत है। तो आपको खाने पीने का कोई उसमें एसिडिटी नहीं होगी, अच्छा ठीक है। ऐसा जैसे कि आपका गॉल ब्लैडर निकालने के पहले आपका गॉल ब्लैडर था 10 साल पहले, अच्छा, अब वैसे ही बिल्कुल अच्छा लगा हुआ है, साफ सूक्ष्म में लगा हुआ है, क्योंकि हर चीज सूक्ष्म में है उसका प्रभाव स्थूल पे आता है जी, है जी। एक बार, और जब से तुम दरबार आई हो जी तब से तुम्हें कोई एसिडिटी नहीं हुई, कोई गैस नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई, नहीं हुई, ठीक है, बराबर, हाँ, खाए भी बराबर। हाँ, तो हाँ। इसका मतलब क्या है, गाल बेटर काम कर रहा है, बाबा न होने के बाद भी काम कर रहा है। तो बिटिया को, बाबा जी मेरी बिटिया को देख लीजिए, फोटो में उसकी लाई, देखा है, देख लिया है, उसका उस समय कष्ट चला था, रोग चला था ब्लैक फंगस का जी, है ना, वही उसको हुआ था जी। लेकिन दरबार से प्रार्थना संकल्प आप करते रहेगा, लेपन चाहिए सिर पर ताकि नर्वस सिस्टम सही हो, नाभि, ये दो जगह उसको जरूर करें जी जी, अपना भी करे बेटा उसका भी करे, ठीक है जी जी, आराम मिलेगा जी।